आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 7 जनवरी 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करेगा, थीटा वन और अपने के पास क्या है थीटा टू, बी रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा। अपने के पास क्या करें थीटा वन और थीटा टू, अपने के पास एक स्मॉलेस्ट है एक अपने के पास लार्जेस्ट वैल्यू, इन जीरो से लेकर के अपने पास 2π के बीच में, यहाँ पर अपने पाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, विच इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस, अपने पास इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, देन द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू किसके बराबर है, यानी इसका जो अपर लिमिट थीटा वन और थीटा टू है वो अपने पास निकालना तो पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले क्या कीजिए, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो 2 cot² θ और माइनस टाइम्स 5 upon sin θ आया ना, और प्लस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर, 0 के बराबर, और थीटा अपने पास दे रखा है कि 0 और 2π के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए, यहाँ गया अपने पास 2 cos² θ और अपॉन में किस पर आ जाएंगे sin² θ के बराबर, ठीक है, माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 5 sin θ और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 4 इक्वल टू 0 के बराबर। एलसीएम लेकर के अपने पास फटाफट सॉल्व कर लीजिए, कैसे एलसीएम ले, तो एलसीएम अपने के पास आ जाएंगे sin²θ आया ना, और ये आ गया अपने पास किस बराबर 2 cos²θ, cos²θ को क्या कीजिए sin²θ में ले लीजिए, तो 1 sin²θ के बराबर, ठीक है, माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 5 sin θ और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 4 sin²θ और यहाँ से अपने पास आ गया इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखिए sin²θ को हम इधर भेज रहे हैं, ये आ गया अपने पास 2 - 2 sin²θ और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 5 sin θ के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया 5 sin θ और ये आ गया अपने पास sin²θ होगा, प्लस टाइम्स 4 sin²θ इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। इस बात का ख्याल रखते हुए कि sin θ अपने के पास कभी 0 नहीं हो सकता, sin θ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 और 2π के बीच में सिर्फ और सिर्फ पाई ही एक ऐसा टर्म है जो कि अपने पास sin θ को 0 बताएगा, लेकिन अपने के पास यहाँ पर अपने के 0 बन ही नहीं सकता क्योंकि पाई है ही नहीं थीटा की जगह, ठीक है, तो sin θ कभी 0 हो ही नहीं सकता है। जब ये 0 नहीं हो सकता तो एक सॉल्यूशन तो अपने के पास यहाँ से ये गैप हो गया, ठीक है, अगर अपने के 0 हो सकता था तो एक सॉल्यूशन और आते, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है, ये आ गया अपने के पास, इसको क्या कीजिए थोड़े से सॉल्व कर लीजिए, तो यह गया sin²θ, यह आ गया अपने 2 sin²θ, कलर चेंज, यहाँ से आ गया अपने के पास 2 sin²θ क्योंकि 4 sin²θ और 2 sin²θ, माइनस टाइम्स 5 sin θ के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स इक्वल टू 0 के बराबर, फैक्टर कर लीजिए, यह आ गया अपने पास 2 sin²θ के बराबर, माइनस टाइम्स अपने पास 2 × 2 = 4 तो यह आ गया अपने पास 4 sin θ और माइनस टाइम्स sin θ के बराबर और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास 2 sin θ कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे sin θ और माइनस टाइम्स आपने क्या किसके बराबर 2 के बराबर, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, यह आ गया अपने sin θ और माइनस 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। तो अभी तो इंटीग्रेशन का काम तो एक जरा भी नहीं हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का काम हुआ, तो sin θ माइनस 2 और यह आ गया अपने 2 sin θ और माइनस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से आपने sin θ के दो वैल्यू आ गए, एक तो आपने sin θ इक्वल टू आ गया 2 के बराबर और दूसरा अपने के पास आ जाएंगे sin θ इक्वल टू 1/2 के बराबर, sin θ इक्वल टू किस आ जाएंगे 1/2 के बराबर, ठीक है, इसमें से अपने पास एक रिजेक्ट हो जाएंगे, क्यों ये बताइए, ये वाले रिजेक्ट हो जाएंगे और ये वाले अपने पास क्या जाएंगे सेलेक्ट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अपने पास sin θ का रेंज ही अपने पास कहाँ से कहाँ तक होता है, तो यहाँ से अपने पास -1 से लेकर के 1 तक, ये तो 2 आ गया, ये रेंज से ही बाहर, तो दिस वन इज रिजेक्टेड, ठीक है, ये अपने पास क्या जाएंगे रिजेक्ट हो जाएंगे, ये सेलेक्ट हो जाएंगे। sin θ जब 1/2 है तो थीटा इक्वल टू 0 से पाई के 2π के बीच में, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ही बताने, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो थीटा आ गया अपने पास ये 1/2, तो ये आ गया पाई बाय 3 के बराबर, पाई बाय 3 नहीं, ये आ गया अपने पास पाई बाय 6 और दूसरा अपने पास किस पर आ जाएंगे, दूसरा जो वैल्यू आ जाएंगे वो अपने पास 5π/6 के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपने पास क्या कर रहा है, थीटा एंड थीटा विद द स्मॉलेस्ट नंबर, तो अपने पास थीटा 1 अपने पास किस पर आ जाएंगे बताइए, अबे स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास थीटा वन इक्वल टू आ गया अपने पास स्मॉलेस्ट जो कि पाई बाय 6 है और θ2 अपने पास लार्जेस्ट जो कि अपने पास 5π/6 हो गया, ठीक है। अब अपने पास इसका वैल्यू बताना है, अभी इंटीग्रेशन का काम तो स्टार्ट ही हुआ है, तो बताइए i इक्वल टू किस पर आ जाएंगे इंटीग्रेशन θ1 से लेकर के अपने पास कहाँ तक θ2 तक और यह गया अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो यह गया cos²θ के बराबर, यह गया अपने पास किसके बराबर cos²θ और dθ, ठीक है। अब अपने पास क्या कीजिए θ1 बताइए, θ1 अपने पास लोअर लिमिट θ1 ही है ना, तो θ1 π/6 से लेकर के 5π/6 तक, तो यह गया π/6 से लेकर के अपने पास कहाँ तक 5π/6 तक और ये cos²θ को क्या कीजिए अपने पास
को डबल एंगल में ले जाइए, ये आ गया अपने पास 1 प्लस cos 6 थीटा के बराबर और होल अपॉन में अपने पास 2 के बराबर और इनटू आ गया अपने पास d थीटा के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 1/2, इसको अपने पास इंटीग्रेट कर लीजिए, 1/2 हम तो बाहर कर दिए, जैसे इंटीग्रेट करेंगे 1 का इंटीग्रेशन अपने पास थीटा और प्लस टाइम्स cos थीटा का अपने पास इंटीग्रेशन किस करा देंगे तो sin 6 थीटा, sin 6 थीटा, लेकिन अपने पास अपॉन में 6 लिखना ना भूलें क्योंकि अपने पास थीटा का जो कोफिशिएंट है 6 वो कहां जाएगा, वो तो अपने पास डिनोमिनेटर में ही जाएगा, क्या अपने पास पाई बाय 6 और अपर लिमिट अपने पास किस आ जाएंगे 5 पाई बाय 6 के बराबर, कोई दिक्कत, अपर लिमिट पुट कीजिए, यहां से आ गया 1/2, अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो आ गया अपने पास थीटा, तो आ गया अपने पास 5 पाई बाय 6 के बराबर और अपने पास इसमें पुट कीजिएगा तो आ गया अपने पास 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे 5 पाई, अपने पास ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे ये 0 दे देता है प्लस टाइम्स 0 के बराबर, अपर लिमिट पुट करने के बाद ये आया लोअर लिमिट अपने पास आ जाएंगी पाई बाय 6 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स बताइए, जैसे अपने पास ये आ जाएगा तो ये 0 के बराबर, हाँ या ना, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास के बराबर 1/2 और इनटू आ गया अपने पास 5 पाई बाय 6 और माइनस टाइम से आ गया अपने पास पाई बाय 6 के बराबर, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो किस पर आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 1/2 और ये आ गया अपने पास 5 में से 1 जाएगा तो ये आ गया अपने पास 4 पाई बाय 6 के बराबर, ठीक है, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 2 × 4 प्लॉट कर लीजिए, कलर चेंज कर लीजिए थोड़ा सा अच्छा, ये आ गया अपने पास 2 × 4 और ये आ गया अपने पास 2 × 6, यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर पाई बाय 3 के बराबर, यानी अपने पास इंटीग्रेशन का काम सिर्फ और सिर्फ इस पेज पे था, इधर तो इधर वाला जो काम था वो अपने पास सिर्फ और सिर्फ थीटा का वैल्यू निकालना था कि थीटा अपने पास है क्या, क्योंकि अपने पास थीटा 1 थीटा 2 तो अपने पास निकालना पड़ेगा, पाई बाय 3 ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, बस अपने पास इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यूज हुआ था तो इसका अपने पास भरपूर यूज हुआ है तो वो देख लीजिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं आती तो फिर मोए मोए होंगे क्योंकि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तो काफी ज्यादा आसान था, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही सॉल्व करना था और कुछ नहीं, तो ये थे अपने जेई मेंस के 7 जनवरी 2020 के शिफ्ट 2nd का क्वेश्चन था और काफी आसान क्वेश्चन कह सकते हैं, तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे, तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।